सपोज हमारे पास के बैटरीज हैं, ईएमएफ जिनका ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस जिनका आर है, सारी बैटरीज का के कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर ऑफ बैटरीज हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि इन बैटरीज को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम जोड़ें, कनेक्ट करें, जिससे कि पावर डेवलप्ड थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो। सपोज हम इस तरीके से जोड़ते हैं बैटरीज को, एक बैटरी ये सीरीज में हम जोड़ रहे हैं, दूसरी बैटरी एंड सो ऑन अप टू एन बैटरी, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। और इस एक रो में, ये जो रो है इसमें हमने एन बैटरीज जोड़ी है। इसी तरीके से हमने रोज बनाई हैं, दूसरी रो इसमें भी हमने एन बैटरीज जोड़ी हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से हमने एम रोज बनाई हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक सीरीज में एन बैटरीज हैं और नंबर ऑफ रोज अगर देखा जाए तो हमने एम ले ली है। अब इसको अगर हम किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं, इस सर्किट को आर से, तो आर के थ्रू पावर डेवलप्ड मैक्सिमम की कंडीशन हमको निकालनी है, एम और एन की वैल्यूज निकालनी है कि इसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बैटरीज कांस्टेंट हैं, के हैं, एम रोज हैं और हर रो में एन बैटरी है, इसका मतलब एम इंटू एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। अब क्या करें, हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लें। देखिए, सीरीज में कनेक्टेड है, हम बता चुके हैं पहले, एन जो है बैटरीज है, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एन आर। सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का भी हो जाएगा एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। इसी तरीके से बैटरी यहाँ से कनेक्टेड है, एम एच बैटरी का भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई और एन आर। ये हमने रिड्यूस कर लिया इस सर्किट को, ये आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और इस तरीके से देखिए, ये कितनी रोज हैं, यहाँ पे एम रोज हैं। अब इसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे, जब इस सर्किट को फर्दर रिड्यूस करेंगे तो देखिए एन ई एन ई एन ई, इस तरीके से एम जो है बैटरीज कनेक्टेड हैं पैरेलल में, इन सब का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, सेम ईएमएफ की बैटरीज हैं तो सेम रहेगा, यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका एन ई। इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर है, बैटरीज पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका एन आर, कितनी बैटरीज है इक्विवेलेंट, एम है तो एन आर बाई एम। तो इस तरीके से ये हम फाइनल सिंपल सर्किट में रिड्यूस हो गया। अब देखिए, मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या होती है, एक्सटर्नल इक्वल्स इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फॉर मैक्सिमम पावर थ्रू आर, एन आर बाई एम शुड बी इक्वल टू आर, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दो इक्वेशंस और दो अननोन हैं, एम और एन यहाँ पे अननोन्स हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन से।